हफ्ता बैठा हुआ था एंड आई सेड उनको अम्मी कहते हैं ना सारे उनके मिशन वाले, तो आई सेड अम्मी कितने पैसे हैं मेरे पास डोनर्स हैं, शी सेड के कब देना है, एंड आई सेड इसी मंथ, कितने तुम्हें 17 लाख रुपए चाहिए। इतना आसान होता है आपको पता चल जाए ना कि पर्पज़ क्या है तो आपको पैसे की जरूरत पता चल जाती है, वरना मुझसे कोई पूछे ना कितने पैसे हैं तो मैं 10 करोड़ ही मांगूंगा कि देने आया बंदा तो सब कुछ दे, शी सेड 17 लाख है, उसके बाद उससे पहले तू देता रहे उसके बाद भी अल्लाह ताला देंगे, मैं जितनी जरूरत है उससे ज्यादा नहीं कभी भी मांगूंगी। 25,000 बच्चों की माँ है, सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तानी है, कोई इस बारे में आर्टिकल नहीं लिखता या टाइम मैगजीन के कवर पे नहीं आती हो, 25,000 बच्चे पाल रही हो, ये वो पाकिस्तानी मुसलमान है जो अपना बच्चा कूड़े में फेंक जाते हैं तो वो उठाती है कि कूड़े में कुत्ते खा रहे थे बच्चे कराची में, आपको पता है ये हालात है मुसलमानों के, और वो पाल लेते कि यार खुदा का वास्ता कूड़े में तो ना फेंको बच्चा, इंसान का बच्चा फेंक रहे हो। आई एम गिविंग एन एग्जांपल हियर कि जिस बंदे का पर्पस क्लियर होता है वो पैसों के लिए नहीं कर रहा होता, पैसे उसके इस्तेमाल में आ रहे होते हैं, पैसे उसका मकसद नहीं बनता। जब बड़ा मकसद बनाएंगे तो पैसे की वैल्यू पता चलेगी आपको, अगर मकसद ही नहीं है तो खुदा की कसम पैसे से वैल्यूएबल कोई चीज नहीं, फिर पैसे ही बनाए क्योंकि फिर आपको पता ही नहीं है, जिसको यही नहीं पता इस्लामाबाद से लाहौर जा रहा है वो लाहौर के पहले हर स्टेशन के ऊपर एंजॉयमेंट के लिए रुक जाएगा, जब उसको पता है लाहौर जा रहा है तो किसी भी जगह पर 5 मिनट से ऊपर कहेगा सर स्ट्रेस हो रही है मैंने, मुझे पता है मैंने कहां जाना है, व्हाई आर यू एंजॉयिंग द ब्यूटी ऑन द मोटरवे, बेरा के ऊपर शादी की बातें नहीं कर रहा होगा कि यहां पे कोई लड़की देख ली सर, ही इज गोइंग टू एंड अप इन लाहौर बिकॉज ही नोज ही इज गोइंग टू लाहौर, एनी एंड एवरीथिंग विल बी अ डिस्ट्रैक्शन नॉट एन अट्रैक्शन। अगर आपको पर्पज नहीं क्लियर तो आपकी हर चीज अट्रैक्शन है, हर डिस्ट्रैक्शन भी आपकी अट्रैक्शन है। इसलिए हर बच्चा, हर वीडियो, हर मूवी, हर स्पोर्ट्स, रोनाल्डो को भी पता, टॉम क्रूज को भी पता, उसको आइंस्टाइन को भी पता, उसको न्यूटन को भी पता, उसको इस्लाम को पता, उसने बिरयानी बना ली है क्योंकि उसको यही नहीं पता कि हायाकी में उसने खुद कहां जाना है। नो वन इज अ फोटोकॉपी ऑफ द मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिलॉसफी, नो वन, एंड एवरीवन इज वेयरिंग अ रोनाल्डो टी शर्ट। सोचें सही, हर बंदा रोनाल्डो मैसी की कॉपी कर रहा है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कॉपी एक बंदा भी नहीं कर रहा है, मतलब लाहौर हमारा स्टेशन नहीं है, हमारा स्टेशन कहीं और है और उसके रास्ते में बहुत मजे हैं खुदा की कसम। एक ही हदीस है जो कि मैं आपको वहां से एंड करता हूं, मैं जो पहली हदीस नबी अलैहिस्सलाम ने कहा जब कायनात नहीं बनी थी तो अल्लाह ताला ने सिर्फ जिब्राइल अमीन को बनाया और उसे कहा कि जाके देख मैंने जन्नत और दोज़ख बनाई है, नबी अलैहिस्सलाम ने इशारा फरमाया कि अभी तक कोई भी नहीं बना हुआ, जिब्राइल अमीन और अल्लाह ताला का डायलॉग है, और जन्नत के देखने के बाद जिब्राइल अमीन ने अल्लाह ताला से कहा कि इधर कौन नहीं आना चाहेगा, अल्लाह ताला ने कहा कि इसका रास्ता देखो, जब जिब्राइल अमीन ने रास्ता देखा तो अल्लाह ताला से कहा कि या अल्लाह इधर कौन आ सकता है, हु इज गोइंग टू कम टू हेवन बिकॉज़ इसका रास्ता इतना कठिन है, और फिर दोज़ख देखी तो अल्लाह ताला से कहा या अल्लाह इधर कौन आना चाहेगा, ये क्या जगह है कि जहां पर कोई इंसान ऐसा भी इधर आना चाहेगा, अल्लाह ताला ने कहा इसका रास्ता देख, रास्ता देखा तो अल्लाह ताला से जिब्राइल अमीन ने कहा कि या अल्लाह इधर से कौन बच सकता है, ऐसी ऐसी अय्याशी, ऐसी ऐसी डिल्यूजन, ऐसी ऐसी स्लिपरी मामलात, इतनी ज्यादा मजे इसके रास्ते में, क्यों कोई कैसे कैसे कोई बचेगा इधर। दिस वॉज द फर्स्ट थिंग दैट सेट्स द पर्पस ऑफ एवरी मुस्लिम। हर बच्चे को इस हदीस से परवरिश शुरू करें कि असल में कहानी क्या है, और तब पता चलेगा कि बच्चे को पता चलेगा करोड़ों की बात कर रहे हो, रुक जाओ इसका इस्तेमाल तो बताओ मुझे, अगर मेरा इसका इस्तेमाल ही कोई नहीं है तो मैं क्या करूंगा इस बोझ को। हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ इज द लेटेस्ट एंट्रेंट इन साहबा, साहबा पूछेंगे कि अब्दुल रहमान जन्नत में बैठे इतने साल हो गए तू कहां था, पैसे का हिसाब दे रहा था। सोचे अब्दुल रहमान बिन औफ अशरफ बशरा, जिस सहाबी ने नबी अलैहिस्सलाम का नमाज पढ़ाई हुई है, दिस इज द सहाबी हु हैड द इमामा ऑफ नबी अलैहिस्सलाम, ही इज द मैन हु इज गोइंग टू एंटर मेनी 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 इयर्स आफ्टर सहाबीस, और क्या हो रहा है पैसों का हिसाब चल रहा है, हमने इतना इजी ले लिया है। अल्हाकुम तकासु, गाफिल रखा तुम्हें, हलाक कर दिया तुम्हें ज्यादा माल जमा करने की हवस ने, मकाबिर, यहां तक कि तुमने कब्रों का मुंह देखा, यानी मरते दम तक माल 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 माल, एंड कोई नहीं है जब तक के कब्र की मट्टी में न जाके मिल जाओ। कल्ला सऊफा तालमून, हां हां तुम जल्द ही जान जाओगे, सुम कल्ला सऊफा तालमून, फिर तुमसे कहते हैं हां हां अनकरीब तुम्हें मालूम हो जाएगा। कल्ला लो तालमून इल्म अल यकीन, हां तुम यकीनी तौर पर जान जाओगे, यकीन तो उसी वक्त आना जब चीज सामने आ जाएगी। लतरबुन्नल जहीम, तुम देख कर रहोगे दोजख की आग को, सुम्मा लतरबुन्नहा ऐनल यकीन, उसके बाद तुम्हें दोजख की जो आग को देख कर अपनी आंखों से यकीन आ जाएगा, लेकिन उसमें फायदा कोई नहीं होना। सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम, उस दिन फिर तुमसे अल्लाह ताला हर उस नेमत के बारे में पूछेगा जो उसने दुनिया में तुम्हें वो नेमत दी थी। 50,000 साल के दिन की एग्जाम्पल आपको बता दूं कि हज़रत आदम का जो बेटा काबिल, ठीक है, इन दोनों बेटों का जब कत्ल चल रहा था ना, वो और आज मैं यहां पे बात कर रहा हूं वीडियो पे, अभी फजर की अजान नहीं हुई हशर के दिन में, काबिल ने कत्ल कर दिया और आज हम सेशन कर रहे हैं, इतना टाइम हुआ है,
इतना इतना टाइम हो गया कि सारे नबी आ चुके हैं, सारी सिविलाइजेशन खत्म हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, हम इस वक्त 2021 में सेशन करें, मगर हशर में अभी फजर की अजान भी नहीं हुई। 50,000 साल इतने बड़े होते हैं और हमने इतना इजी ले लिया है कि हाँ वहां पे देख लेंगे, तो वहां पे तो कुत्ते को पानी पिला के भी तवायफ जन्नत में पहुंच गई थी, मैं वहां पे देख लूंगा। 50,000 साल का मतलब सोचें कि अगर हम इस टाइम लाइन में अगर हजरत आदम भी जिंदा होते, काबिल भी जिंदा होता, हाबील भी जिंदा होता, यहाँ पे हम सब हशर के मैदान में खड़े होते और वही टाइम लाइन चलती, तो अभी फजर की अजान नहीं हुई, अभी तो जोहर की आनी है, फिर असर, मगरिब, फिर इशा, फिर कहीं जाकर रात होनी है 50,000 साल के, क्योंकि ये 8-9 हज़ार साल पहले का वाक्य हाबील काबिल का जो कि लिखा हुआ है, इससे भी ज्यादा का लगता है क्योंकि सुमेरियन तो 16,000 साल पहले भी थे। जितना भी था, सोचें हमने क्या सोच लिया कि मैं V8 के ऊपर जन्नत का सफर करूंगा, पुलिस सराब के ऊपर, कहीं पे भी कोई वैल्यूएबल चीज है। एवरी सेन मैन एंड एवरी वाइज मैन ने कहा था कि मुझे मेरे जो कफन है ना उसे मेरे हाथ बाहर रखी। 11 एग्जाम्पल मुझे पता है कि मेरे बच्चों को पता चल जाए कि एंड में कुछ नहीं होता, ये रफा दैन जो करते हैं हम, हर मुसलमान बच्चों को बताया जाता है ना अरब में, हमें यहाँ पे नहीं बताया जाता, मुझे नहीं पता, मैं ये बचपन की ट्रेनिंग थी कि रफा दैन करना है ना तो ये अल्लाह को बताना है कि मैं खाली हूँ तेरे सामने, अल्लाह ऐसे खड़े होते हैं ना नाक से नाक लगी हुई है और अल्लाह हमें ऐसे हाथ करते हैं कि ये अल्लाह मैं कुछ भी नहीं हूँ, ये रफा दैन का मतलब। सो दिस इज अ बिलियनेयर क्या कहेगा कि बैंक अकाउंट में करोड़ रखे हैं, अल्लाह मेरे कुछ नहीं, किस मुंह से हम बातें करते हैं। सो इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम ऑफ फिलॉसफी, एंड वो बड़ा फिलॉसफी नहीं है, फिलॉसफी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि क्यों आए हुए दुनिया में, बस ये फिलॉसफी है, किताबें नहीं पढ़नी विल ड्यूरेंट की, आप यू नो साइकोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी की, सिंपल कि ये जन्नत इसलिए बनी थी, बड़ी महंगी है यार, ध्यान रखिए, अल्लाह ताला ने कहा था जन्नत सस्ती नहीं है, पहुंचना है तो कुर्बानी देनी पड़ेगी, मुसलमान है तो तकलीफ आएगी, नबी अलैहि सलाम से ज्यादा तकलीफ आ सकती है, नबी अलैहि सलाम से ज्यादा गरीब हो सकते हो, नबी अलैहि सलाम से ज्यादा मुसीबतें आ सकती है, नहीं जी नहीं आ सकती, तो फिर रोना किस बात का, बड़ी कैसा क्या होगा जो नबी अलैहि सलाम के साथ नहीं हुआ, आपको मुसलमान लिख के बताए मुझे मेरे साथ वो कुछ हुआ है जो तकलीफ नबी अलैहि सलाम पे भी नहीं आ सकती, मैं बताता हूँ उसको फिर कि उसने कौन सा नबी पढ़ा। सो इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ wherever or whenever we were born, look back in the history, you will find हमें साहबा की जरूरत नहीं थी, गोरे भी मिनिमलिस्टिक ही थे, गोरे भी इक्तफा पे थे, साइंस यही कहती है कि जो जरूरत है वही रखो, जो नहीं जरूरत खुदा का वास्ता उसका सवाल हो जाएगा, और अब्दुलरहमान बिन औफ नहीं बच रहे सवालों से, आप और मैं बचेंगे रहे सवालों से। सो आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर कि रिस्क नाउज बिल्ला उसके खिलाफ कोई नहीं मुसलमान हो सकता, मगर रिस्क खुद बनाऊंगा इसके खिलाफ हर मुसलमान को होना जरूरी है। بالکل جزاک اللہ خیر بارک اللہ فیک ویری پروفاؤنڈ اسٹیٹمنٹس ماشاء اللہ اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو اینڈ دس سیشن آن اے فیو ایڈوائسز اور وہ یہ کہ جب اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم غشی کھا گئے اور بے ہوش تھے تو جب بھی ہوش آتا پوچھتے عائشہ کتنے پیسے پڑے ہیں کہتے 7 دینار پڑے ہیں انہوں نے کہا عائشہ صدقہ کر دو اور پھر بے ہوش ہو جاتے اور پھر جب اٹھتے تو کہتے عائشہ ابھی تک کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئی واز بزی ان یور نو ٹیکنگ کیئر آف یور سیلف میں اور سبحان اللہ ان کو بھی تھا کہ یہ اللہ کریم چلے جائیں گے تو پیچھے کچھ نہ کچھ تو ہو عائشہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا کہ میرے پاس 7 درہم یا دینار پڑے تھے اور میں نے وہ صدقہ نہیں کیا سو یہ ہے امام الکائنات جو کہ اتنا پیسہ مطلب پیسے کے حساب سے اتنا ڈر رہے ہیں یہ امام الانبیاء ہے نبی الاسلام نے تو اپنی وفات تک فقر ہی دیکھا تھا بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے عائشہ کہتی ہیں کہ نبی الاسلام کی وفات تک ہماری حالت تھی بعض اوقات 1 مہینہ بعض اوقات 2 بعض اوقات 3 مہینے تک ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا کوئی پکانے کے لیے چیز نہیں ہوتی تھی 2 کالی چیزوں پہ گزارا ہوتا تھا ایک کھجور اور دوسرا پانی اور کھجوریں بھی کوئی ٹن و ٹن نہیں 2 کھجوریں اور ایک میٹھا پانی کا پیالہ صبح کے وقت اور 2 کھجوریں اور 1 پانی کا پیالہ میٹھا شام کے کیونکہ میٹھا پانی وہاں پہ ایشو تھا ریگستان میں آج بھی آپ ذرا ریگستانی علاقوں میں چلے جائیں تو کتنے کلومیٹر پیدل سفر کر کے وہاں کی تو زندگی میں ایشو ہی یہی ہے کہ پانی بھر کے لانا ہے 8 کلومیٹر سے اور آپ نے آٹا جو ہے چکی میں پیس کے بس روٹی پکانی یہ ٹوٹل لوگوں کی زندگی ہے یہ جو آپ یاشیاں جو نیٹ پہ یوٹیوب پہ بیٹھے رہتے ہیں اور فیس بک پہ یہ تو وہاں کے مسئلے نہیں ہیں وہاں کے تو مسئلے ہی کچھ اور ہیں تو اس زمانے میں نبی علیہ السلام کے مبارک مان اما عائشہ کہتی ہے کہ یعنی آپ علیہ السلام اور آپ کے گھر والوں کا گزارا گالی چیزوں پہ تو ہمارا کیا بنے گا سو پیسے کو نا اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو مال دیا نا اگر آپ کو سٹیٹس میں یہاں پہ رکھا ہے تو اس لیے دیا ہے کہ آپ لوگوں پہ خرچ کریں اور یہاں پہ آ جائیں اور لوگوں کو اگر یہاں رکھیں نا تو اس لیے دیا تاکہ ان پہ آپ خرچ کریں تو آپ یہاں پہ آ جائیں اور ایک بہترین سوسائٹی بن جائے انشاءاللہ تعالیٰ اور دوسری بات یہ فرمایا کہ تمہارے پاس اگر سیکورٹی ہے ایک دن کا کھانا ہے مطلب اتنے ہی کہ تمہاری کمر سیدھی رہے اور تمہارے پاس ایک چھت ہے جس میں تم رہ سکو تمہارے جیسے ایسے تمہارے لیے زمین کے خزانے بچھا دیے گئے تمہارے قدموں میں بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے اے اللہ محمد اور آل محمد کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس اتنا ہی رزق دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے یعنی بس سانس چلتی رہے اس سے زیادہ مجھے رزق نہیں چاہیے سر جن لوگوں نے یہ حدیثیں نبی علیہ السلام سے سنی ہوئی تھی انہوں نے دنیا کو 3 طلاقیں دینی تھی انہوں نے ابو ذر غفاری پھر بننا ہی تھا
और हम लोग बस समेटने के चक्कर में और कल के चक्कर में देखिए सुभान अल्लाह, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ पूछा गया कि आप तो कुछ भी नहीं छोड़ के जा रहे अपने औलाद के लिए, क्या बनेगा? उन्होंने कहा कि अगर तो मैं बहुत ज्यादा माल के छोड़ के जाऊँ ना और ये नेक ना हो तो ये इनके लिए बर्बादी का बायस बनेगा, लेकिन अगर मैं कुछ भी ना छोड़ के जाऊँ और एक मुत्तकी औलाद छोड़ के जाऊँ तो अल्लाह विल टेक केयर ऑफ देम। आपको पता बिल गेट्स ने, एग्जैक्ट बिल गेट्स ने ये बात अपने बच्चों के बारे में की और कोई पैसा बिल गेट्स ने इनहेरिटेंस में डाला, अभी से लिख दिया कि मेरे बच्चों को पैसा नहीं मिलेगा, नहीं तो सहल पसंद एरोगेंट हो जाएंगे। अल्लाह देख अंदर की केमिस्ट्री खुद ही उस शोर को आवाज दे देती है। और हम कहते हैं मौलवी साहब आपको ज्यादा ही कुछ ज्यादा इस्लाम, यहां हमारा दीनदार इंसान कहता है कि मैं बस चाहता हूं अपनी नस्लों के लिए छोड़ जाऊं, और वो लॉजिक कह देते हैं कि ये दीन का काम करें, इनको पैसा जो है ना ऑक्युपाई ना करें और दीन का काम करें। शैतान ने कैसे डिलूट किया, कैसे डिलूट किया, हालांकि पैसा और लोग इसलिए भी ज्यादा कहते हैं हम ज्यादा पैसा इकट्ठे कमाएंगे ताकि हम अल्लाह के रास्ते ज्यादा खर्च कर सकें। भाई आपके पास थोड़ा पैसा है ना, आप इसी का कुछ लगाओ, आपको अल्लाह ज्यादा अजर देगा। अजर की नेकी अल्लाह को रजा करना, अल्लाह को राजी करना असल मकसद है ना, नेकी करना असल गोल नहीं है, अल्लाह को राजी करना असल गोल। तो अगर आपके पास थोड़े पैसे हैं और आप वो लगा दो, क्योंकि क्यों सहाबा का सदका इतना जो था मुट्ठी भर हमारे ओहद पहाड़ के सोने खर्चने से बेहतर था, क्या वजह? उसकी वजह सिर्फ ये कि उनके पास थोड़ा था, उसमें से कितने परसेंट लगा रहे थे, तो ये शैतान की वजह से ना है। और गिव अर्ली सदका, एक शख्स थे, एक शख्स थे जो कि बिलियनियर और वो बिल्कुल सादा इंसान कराची में होते हैं, कहते हैं कि एक शख्स ने पूछा कि आप पैसे कैसे कमाते, कहते हैं अल्लाह की कसम तुम अल्लाह के रास्ते में लगाओ, तुम अमीर होना है अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, अनफिक उनफिक अलैक, तुम खर्च करो तुम पे खर्च किया जाएगा। अल्लाह के बिलाल कह रहे हैं बिलाल को, हालांकि गरीब सहाबी है, या बिलाल अनफिक वला तखशा अर्शिक लाला, तू लोगों पे खर्च कर और मत डर के अर्श का मालिक तुझ पे खर्च कर सकेगा। और हम लोग सुभान अल्लाह कहते हैं नहीं नहीं नहीं, जब ये दो लाख ना चार लाख हो जाएंगे ना फिर उसमें से 50,000 निकाल दूंगा, जब ये चार आठ हो जाएगा ना आठ दस हो जाएंगे फिर निकालूंगा। हालांकि ये मलेशिया के जो रिचेस्ट मैन है शेख चौफीक उत्तार थे, चौफीक चौधरी, कहते हैं कि जब वो आए ना सीरिया से हिजरत करके कुश्ती पे आए मलेशिया पहुंचे, जूते थे उनके हाथ में कुछ भी नहीं था, कहते उन्होंने जूते बेचे और चार रिंगिट कमाए, चार रिंगिट लिए और जूते को बेच के, तो माने का पुत्र दो रिंगिट दे, उन्होंने कहा माँ जी चार रिंगिट है, हम दो की रोटी खाते हैं, दो इन्वेस्ट करते हैं उससे बनेंगे और जब ज्यादा बन जाएंगे तो फिर हम देंगे। उन्हें कहा पुत्र पैसा पैसा नहीं बनाता, अपॉर्चुनिटीज पैसा बनाती है जो अल्लाह की तरफ से आती है। कैपिटल नेवर मेक्स मोर मनी, अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेक्स मोर मनी। तो गिव हैबिट, यू नो यू शुड हैव एन हैबिट ऑफ गिविंग अर्ली सदकाज़ इन लाइफ। 1,000 है 300 निकाले 500 निकाले अपनी साथ में, हम वर्कर से देखनी है कि हम पूरा 1,000 निकाल दें और कहें तरक्तुल्लाहु अल्लाहु व रसूलहु, हम जितना अल्लाह ने ये भी हमसे डिमांड नहीं की कि तुम सारा के सारा निकालो, अल्लाह का करम है रहम पे हम ज़कात निकालें और जितना निकाल सकते निकाल लें और अल्लाह ताला आप पे खर्च करेगा। और ये जो सोचना कि मैं पैसा दे रहा हूँ इसलिए कि ज्यादा अल्लाह मुझे माल देगा, ये यही किलर है असल में। बिल्कुल बिल्कुल, इस वजह से दे रहे हैं तो फिर अल्लाह को थोड़ी दे रहे हैं, फिर तो अपने आप को दे रहे हैं। आप यकीन करें कि अल्लाह ताला आपको इसका रिटर्न दुनिया में आखिर में देगा, लेकिन आपका जो बेसिकली जो आपका कंटेम्प्रेरी लॉजिक नहीं होनी चाहिए, आपकी बिलीफ बेस्ड लॉजिक होनी चाहिए कि मैं आपको दे रहा हूँ मुझे कल ये मिलेगा, मैं अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। एक वाक्य सुना खत्म करता हूँ, एक ये फिक्शनल वाक्य हमें सुनाया था, और वो था कि बेसिकली सदाम हुसैन का एक जानने वाला था कराची में, बड़ा बिजनेसमैन था, और सदाम ने कहा कि हम बेसिकली अटैक करने वाले हैं ईरान पे या सऊदी पे गालिबन, तो तुम जितने रियाल खरीद सकते हो खरीद लो, ठीक है, जब हम अटैक करेंगे और ये होगा और रियाल हमारे उसके पास आ जाएंगे तो हम इसकी कीमत बढ़ा देंगे, इन्फ्लेशन हो जाएगी और रियाल बढ़ जाएंगे, तुम्हें एक एक रियाल पे 10 times फायदा होगा। तो उसने क्या किया, उसने अपना घर भी बेच दिया, गाड़ी बेच दी, बेगम का के 5 मरले घर में आ जाओ, और लोगों ने कहा तुम पागल हो, इतना तुम पैसा खर्च कर रहे हो और क्या वजह, लोग पीपल आर लॉफिंग एट हिम, ही वाज लॉफिंग इनसाइड के यार ये मुझे एक एक रियाल ना कल 10-10 रियाल देगा। तो ही वाज सो सैटिस्फाइड कि ये कल मुझे मंडे तो गुजरने दो ना, 3-4 दिन गुजरने दो, मुझे सारे पैसे वापस आ जाएंगे। Why can't we do the same? कि जब अल्लाह ने हमें वादा किया कि तुम एक खर्च करो तुम्हें 10 नहीं 70 नहीं 700 नहीं तुम्हें बगैर हिसाब किताब के दूंगा। हदीस है सदका माल को कम नहीं करता, कम नहीं करता, इतनी सी हदीस है बस, मैं नकसत माल में सदका। लेकिन हम लोग कहते हैं कि नहीं जेब में तो कम हुआ ना, हमारा जब तो जेब काम करते हैं। एक उस्ताद थे, कह रहे थे, और बड़ी जबरदस्त फिलोसफी है इस्लाम की, फिलोसफी है ऐसी है कि अल्लाह के सबसे बड़े इकराम कर्मों में से एक कर्म यह है कि इंसानों की सारी दुआएं कबूल नहीं होती। अगर हमारी वाली दुआएं कबूल हो जाए जो हम मांगते हैं तबाही मच जाए हमारे साथ भी दुनिया में भी। अल्लाह ताला का हम पे इतना बड़ा करम है कि जो आखिरत के लिए कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, नहीं तो हम जितनी सेल्फिशनेस में अपने लिए सारा कुछ मांग लेते हैं, वी वुड बी द मोस्ट डेवास्टेटेड पीपल ऑन द डे ऑफ आखिरत। बहुत बड़ा करम है। सो ध्यान में रखिएगा ये दुआ के पीछे एक फलसफा जो है ना, ये देखना है। अच्छा, एक और भी एक दुआ बता देते हैं इनको लोगों को, वो दुआ है अल्लाह तआला दुनिया अकबर हमीना वला मबलग इल्मीना, या अल्लाह इस दुनिया को मेरा सबसे बड़ा कंसर्न ना बना लेना और नॉलेज गेन करने का दुनिया वो मकसद ना हो, मैं जो इल्म सीख रहा हूँ दुनिया मुझे मिल जाए।
تو اسے بچیں اور اپنا آخرت فوکس رکھیں انشاءاللہ. زکر کے صاحب فار کمنگ ہیئر شیخ علی بارک اللہ فیک فار گیونگ اس ٹائم. انشاءاللہ پارٹی سے بعد ہی آن ہونی ہے لیکن لائیو نہیں, آف لائیو انشاءاللہ. بارک اللہ فیکم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ.